पता है कि हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कोरोना के संकट से जूझ रही है। दुनिया के अनेक विकसित देश भी अपने को पूरी तरह से समर्थ नहीं पा रहे हैं इसके संकट से निपटने में। वहीं भारत ने और भारत के प्रधानमंत्री ने उचित समय पर कदम उठा करके एक बड़ा सराहनीय प्रयास किया है। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि आज से 4 दिन पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे सोशल डिस्टेंसिंग करने का आग्रह किया था। मुझे लगता है यही आज एक विकल्प है जिससे हम देशवासियों की सेवा कर सकते हैं। मित्रों, मैं कल कुछ मित्रों ने मुझे फोन किया गाजीपुर से, तब मुझे लगा कि कई मित्र हैं जो इस खतरे को अभी समझ नहीं पा रहे। ये संकट बड़ा है और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बुद्धि का और धैर्य का परिचय दें। सरकार द्वारा बताए गए निर्देशों का ईमानदारी से पालन करना ही आज देश की सबसे बड़ी सेवा होगी। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि जहां देश के डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मी और सरकारी कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डाल करके हमें, हमारे परिवार को और आपको बचाने में पूरी तरह से लगे हुए हैं, वहीं सरकार भी पूरा प्रयत्न कर रही है कि जरूरतमंदों को हर प्रकार की मदद दी जाए। मित्रों, आज आवश्यकता है कि हम धैर्य का परिचय दें, निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। मैं मानता हूं कि हम खुद भी अपने घरों में रहें, अपने परिजनों के साथ रहें, अपने परिजनों और मित्रों को भी इस बात के लिए आग्रह करें कि वो इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। मित्रों, समाज के प्रबुद्ध और समर्थ लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज आवश्यकता है कि सामान्य नागरिक को जागरूक करने में आप सहायता करें तथा जरूरतमंदों की भी यथासंभव मदद करें। मित्रों, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम पूरी ईमानदारी से देश की सेवा में लगें और यही आज सबसे बड़ी सेवा है। हमारी थोड़ी सी गलती से देश को, देशवासियों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अंत में मैं दिनकर जी की इन पंक्तियों का स्मरण दिलाते हुए आपसे निवेदन करूंगा, कहूं जो पाल उसको धर्म है या हनन कर शत्रु का सत्कर्म है या क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही दसेगा। कोरोना नाम के शत्रु को हराने में संकल्प ही हमें सबसे ज्यादा शक्ति प्रदान करेगा। आइए हम सब संकल्प लें, सरकारी निर्देशों का पालन करेंगे, अपने अपने घरों में रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे तथा कोरोना को पराजित करेंगे। धन्यवाद।